लेकिन ऐसे में पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं या पाकिस्तान का फ्यूचर क्या हो सकता है, ये बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतने सारे मुद्दे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो रियल इश्यूज हैं वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर कभी ना बात होती है ना किसी का ध्यान जाता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बात यह है कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो दूसरे लोगों में क्या है? इस लैंड तो पाकिस्तानी है, आप मतलब नहीं, मकसद गलत ये, बात कर नहीं, सकते हैं, नहीं, उसमें क्रिश्चियन मुबारक, हो वो भी I'm sorry, पाकिस्तानी मैं, है, नहीं गलत लब, नहीं, मुस्लिम मुसलमान मुस्लिम कह सकते हैं। मुसलमान अगर वहां सेफ नहीं है तो दूसरों की बात है। लेकिन जिसमें ये बात सबसे बड़ी जो बात ये करना चाहूंगा कि मैंने जिस तरह आपको पहले ये अर्ज किया था कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू सब कंट्री, ये उसकी फिलॉसफी को लोग समझ नहीं सके, कन्वर्जन बाय फोर्स हो ही नहीं सकता और किसी मजहब में नहीं हो सकती, इस्लाम के अलावा नहीं, हिंदुइज्म में भी बाय फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वर्जन जो डायरेक्टली रिलेटेड आपके हार्ट और माइंड के साथ है। तो जो ये जो कर रहे हैं, मैं इनको मुसलमान नहीं कहूंगा, और जो ये ज्यादती कर रहे हैं, ये कोई मजहब, मैं हमेशा आखिरी लफ्ज ये कहूंगा, अगर आपका आपका रिगार्डलेस आपका कोई भी मजहब, वो अगर मजहब आपको नफरतें और दुश्मनियां और तशद्दुद सिखा रहा है, देन यू नीड टू चेंज द न्यू रिलीजन, यू नीड टू लुक फॉर सम न्यू रिलीजन। दुनिया का कोई मजहब आपको अंबर ये नहीं बताता कि जाके दूसरे इंसान को तकलीफ दो। आप और मैं मुसलमान बाद में बने थे, हम पैदा इंसान हुए थे, अगर हमें उस चीज का कोई शर्म लिहाज नहीं है तो इस्लाम हमें कुछ नहीं सिखा सकता। तो मैं कंडेम करूंगा एज ए पाकिस्तानी मुस्लिम, मैं ये कंडेम करूंगा कि किसी ने वहां पे किसी सिख बच्ची का दिल तोड़ा हो, किसी हिंदू क्रिश्चियन भाई का उन्होंने दिल तोड़ा हो, मैं शर्मिंदा हूं इस चीज पे और मैं इसको कंडेम करूंगा। मैं ये ऐड करना चाह रहा था उसमें, इट इज नॉट फेयर और स्पेशली इन 21st सेंचुरी यू हैव टू बी वेरी क्रूअल और जालिम आदमी हो गए कि किसी को मजहब की बेस पर आप उसको उसको तकलीफ पहुंचाओ, दिल भी तोड़ो। जिस्मानी तशद्दुद तो बहुत दूर की बात है, किसी का दिल तोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं इस चीज को कंडेम। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और ह्यूमन राइट ग्रुप्स कितने ही सारे हैं, उनकी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो हर साल पाकिस्तान में कम से कम 1000 माइनॉरिटीज गर्ल्स को जो 12 से 25 साल की उम्र की होती हैं उनका जबरन उनको अबडक्ट करके रेप किया जाता है और धर्म परिवर्तन किया जाता है, जो और ये रिपोर्टेड क्राइम्स है और अनरिपोर्टेड तो बहुत सारे हैं। अंबर मैं सब बताऊंगा, जो रिसेंट वाकया वहां फैसलाबाद में हुआ है, खदीजा लड़की है जिसको उसने शादी से इनकार किया है, उसको उन्होंने पकड़ के मारा, उसके बाल काटे और जूते चटाए, वो हिंदू और सिख नहीं है, वो पाकिस्तानी मुसलमान है। तो जब जब हम तीनों चीजों पर, मैं हमेशा ये कहता हूं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ना इस्लामिक है ना जमहूरिया है ना लैंड ऑफ द प्योर्स, तो उसमें मैं वही तो कह रहा हूं, जो चीज आपने मुझे बताई है किसी के कन्वर्जन की, वो ज्यादती है, मैं कंडेम करूंगा। बड़ी बात तारिक साहब अफसोस ना की रही कि वो स्कूल पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो दीना टीचर है और पढ़ाने के लिए गई थी, जब वापस नहीं आई तो घर वाले उनको ढूंढते फिर पुलिस में गए, उनकी बात नहीं सुनी गई, उन लोगों ने सड़क पर उनके और उनके रिश्तेदारों ने एजिटेशन किया, बात नहीं सुनी गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये बड़े अफसोस की बात है। कम से कम आप मजलूमों के साथ तो खड़े हुए, विक्टिम्स के साथ खड़े हुए, बस ये मैं अफसोस है। ब्लास्फेमी भी यही नजर आता है, और हम कन्वर्जन में जब देखने की बात करते हैं दोनों ही केस में ये सारी एज अ टूल यूज किया जाता है वहां पे पाकिस्तान में, लोगों इस चीज को एज अ ब्लास्फेमी को यूज किया जाता है एज अ टूल, आई नो दैट। नंबर इसमें एक खास बात है, मैं पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में आई वाज वेरी एक्टिव इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं खासकर आई एम सो ग्लैड और मुझे खुदा ने ये चांस दिया टू सर्व माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। यहां से जब पिछली दफा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में जब पैसे एड दे रहे थे कुछ थोड़े पैसों की, तो मैंने इन्हें कहा था कि मेक श्योर कि कंटिजेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, उनके हालात बेहतर करें, कंटिजेंट बनाए, तो बताएं कि हम पैसे दे रहे हैं लेकिन कंटिजेंट अपॉन द सिचुएशन, इंप्रूव द सिचुएशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन सिंध एंड बलूचिस्तान। और उसमें ये मेरा, मैं ये सोचता हूँ चीजें, देखें मजा तो तब आता है उनके जूतों में अपने पांव डाल के देखें कि अगर आप उनकी जगह खड़े तो क्या हो। मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी जगह पे, इस किसी जगह पे 21st सेंचुरी में किसी को उसके रिलीजियस, उसके रिलीजन बेस पे किसी का दिल तोड़ना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गुनाह। बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से बात कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात से बात कर लीजिए, या फिर इंसानियत से बात कर लीजिए, हर लिहाज से गलत है,
और पाकिस्तान में ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं। ब्लास्फेमी की बात करें, फोर्सफुल कन्वर्जन ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जो कि बहुत कंसर्निंग है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इंटरनेशनल चाहे ह्यूमन राइट ग्रुप्स हो, उनका भी ध्यान नहीं जाता। इमरान खान पे बहुत जल्दी यूएनएचआरसी का ध्यान गया, लेकिन इन सारे मुद्दों पर नहीं जाता, बहुत अफसोस।